हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाला है इस R15 वर्जन 2 के बारे में, जो कि बहुत ही मिंट कंडीशन में खड़ी है इधर, मतलब ब्रांड न्यू कंडीशन है। आप देख सकते हो बहुत ही ब्रांड न्यू कंडीशन में ये इधर कार्बन फाइबर रैप किया। तो बने जाएंगे स्टोरी में, आपको मैं पूरा इस बाइक की डिटेल दूंगा। तो चले शुरू करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं इसके इंजन के बारे में, तो इसका इंजन है 149 cc का सिंगल सिलेंडर इंजन। और इसके BHP की बात करते हैं, इसकी BHP है 16.7 BHP 8500 RPM। और इसके टॉर्क की बात करते हैं, इसका टॉर्क है 15 Nm का टॉर्क है, जो कि प्रोड्यूस करता है 7500 RPM पे। इधर ये लाइट्स के कंट्रोल, इधर डिपर के कंट्रोल, इधर ये हॉर्न, इधर क्यूल स्विच, नीचे आपको लाइट्स का कंट्रोल मिल जाता है, और इधर आपको स्टार्ट स्टॉप बटन, इंजन। बाइक वाकई में काफ़ी अच्छी है, मुझे इसको चला के बहुत मज़ा आया। ये जो बाइक है ना, चलने में इतनी रिफाइंड है, मतलब भाई ने मेंटेन करके रखी है ये बाइक को, और मेरे को चलने में बहुत ज़्यादा मज़ा है। और इसका रिएक्शन अच्छा आता है, क्योंकि इसमें एग्जॉस्ट साउंड ये बहुत अच्छी आती है इसकी। मतलब आप जैसे रेव करते हो बाइक को, तो बाइक पूरी खुल जाती है। बहुत अच्छी बाइक है ये। और ये बाइक जो 4000 RPM के बाद जो उठती है ना, सच्चे में भाई, इसमें आपको 6-speed गेयरबॉक्स देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही सही है। और बाइक की जो कंडीशन है ना, वो बहुत ही वेल मेंटेन है। भाई ने जिसकी भी बाइक है, जिस बाइक की, उन्होंने इसको रिपेंट भी करवाया है शायद से, ये रिपेंट ही किया है, यह रैप नहीं है। तो भाई बहुत ही सही लग रही है बाइक। इधर कार्बन फाइबर पूरा रैप किया है, ये तो रैप ही है। और इसमें एग्जॉस्ट डाला था, फिर वो निकाल दिया है, और अभी ये वापस से जो ओरिजिनल एग्जॉस्ट है वही डाला है। आप देख सकते हैं ये जो एग्जॉस्ट है वो निकला हुआ है। तो इसके जो साउंड है वो बिल्कुल ही चेंज हो चुके हैं, क्योंकि इसमें एक बार एग्जॉस्ट चेंज हो चुका है, तो अभी जो इसकी साउंड है ना, वो बहुत ही डिफरेंट आ रही है। अगर मैं आपको एक बार सुना के दिखाता हूँ। और ये जो बाइक है ना भाई, 5000 RPM के बाद जो ये जो थ्रोटल रिस्पॉन्स है इसका, वो बहुत ही मतलब ऑसम है। मैं इसको स्टार्ट कर दूँगा, बहुत ही अच्छी बाइक है। अब हम आ जाते हैं इसके रियर लुक पे। तो इसका जो रियर लुक है वो पूरा चेंज है। लाइट तो HATS लाइट है, बट इसकी जो सिग्नल लाइट है वो चेंज है, देख सकते हो। इसमें इंडिकेटर रहते थे, पर इंडिकेटर निकाल कर भाई ने ये जो वर्जन 4 के इंडिकेटर शायद यही है वो लगवा दिए है। और पीछे का लुक जो इसका है बहुत अच्छा है, देख सकते हो, बिल्कुल स्पोर्ट्स बाइक लगती है यार। और ये टेल टेडी नहीं है, ये वेल्डिंग किया है। आगे से भी वाइजर चेंज है पूरा, और बाकी कंडीशन तो भाई। और अब हम बात करते हैं इसका टायर साइज़ की। तो इसका टायर साइज़ है 19 17 mm। तो 17 इंच का इसको आगे में टायर देखने को मिलता है, और पीछे का जो टायर साइज़ है वो है 140 70 17। तो फ्रंट और बैक दोनों 17 इंच के टायर है। और भाई बाइक आप देख सकते हो क्या, वाइजर भी चेंज है ये। तो अभी आ जाते हैं इसके मीटर कंसोल पे। तो पहले तो वापस से स्टार्ट करके दिखाता हूँ आपको। इसका मीटर कंसोल भी काफ़ी, आपको सब कुछ इसमें इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाता है। इधर RPM 12000 RPM, इधर ये फ्यूल गेज, इधर ये ट्रिप, और इधर स्पीडोमीटर, और ऊपर में ये न्यूट्रल का इंडिकेशन है, लाइट का इंडिकेशन, इंजन का इंडिकेशन वगैरह सब आपको देखने को मिलता है। इधर सब इसका चेंज कर सकते हो, जो ट्रिप वगैरह है। इसकी हम टैंक कैपेसिटी की बात करें, तो इसकी टैंक कैपेसिटी है 12 लीटर की, जो काफ़ी मतलब मेरे को सही लगा। और इसकी माइलेज की बात करें, तो माइलेज है इसकी 42 कंपनी क्लेम करती है, तो एक हिसाब से सही भी। और वर्जन यामा वर्जन 3 की जो माइलेज है, या R15 वर्जन 3 की, वो अराउंड 57 की माइलेज है भाई। तो भाई 57 की माइलेज है, बहुत अच्छी माइलेज है, मतलब R15 वर्जन 3 की। और ये वर्जन 2 है, इसकी कंपनी 42 क्लेम करते हैं, बट मेरे ख्याल से 45 वगैरह इसकी माइलेज होगी, ये मैंने ट्राई नहीं किया है। तो मेरा जब भी मैं आपको मेरा राइड रिव्यू शेयर करता हूँ, मैंने इसको राइड किया, तो मेरे का क्या एक्सपीरियंस रहा इस बाइक को राइड करके, जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ अभी। तो भाई अभी मैं इस बाइक को राइड करके आया, तो बाइक जो चल रही है ना, बहुत अच्छी चल रही है, बहुत ही स्मूथ बाइक है।
अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। और यह बाइक सेल पे है, अगर किसी को भी यह बाइक लेनी है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। मिलते हैं एक नए वीडियो में, बाय बाय।